गुड मॉर्निंग गाइस। सो एट लास्ट शीट आ गया सबके पास, राइट? हर किसी के पास हाथ में अभी रिजल्ट शीट है, रैंक लिस्ट है, मतलब श्योर हो स्टेट में कहाँ पे तुम लोगों का पोजीशन है। ये हम लोगों ने पहले भी बताया था, आ जाएगा, टेंशन मत करो, आ जाएगा। दो तीन दिन डेट हो रहे थे, ऐसे ऐसे हो जाता है सब कुछ मिला के। एक एक करके हर स्टेट का लिस्ट निकल गया है। अभी त्रिपुरा का भी कल रात को निकल गया है, मेरे पास भी है स्टेट लिस्ट अभी, तो तुम लोगों के पास भी ऑब्वियसली होगा ही। तुम लोग मेरे से भी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो इस बारे में, लेकर लाइक कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया था, लाइक जो रिजल्ट शीट निकलने वाला है, जो होगा, जैसे कट ऑफ आएगा, क्या आएगा, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी उसी हिसाब से हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत लाइक 500 प्लस जो नंबर्स थे वो थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, वेरी इट बी नॉर्मल। बट कल रात को स्टेट लिस्ट भी निकला था, स्टेट का जो सीट मैट्रिक्स है उसका भी निकला है, तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग कंडीशन है, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस वाले सीट्स को भी उन लोगों ने काउंट करवा दिया, तो ईडब्ल्यूएस का सीट अलग हो जाएगा, क्योंकि केस चल रहा है इसलिए एक साथ किए हुए हैं, वो अलग हो जाएगा। तो इसका नॉट टू वरी अबाउट इट, बिकॉज डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सी सीट्स डिपेंड करते हैं, तो इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। वो कुछ केस वेस चल रहा है, तो केस अपने फेवर में आएगा, सब कुछ के लिए फेवर में होगा, दैट डेफिनेटली विल गेट ऑल सीट्स, नो इश्यूज इन दिस। तो थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है अभी, बट वो टेंशन की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों के पास सीट है, अभी हम लोगों ने देखा है, मतलब मैं जो अपना लिस्ट देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से पकड़ लो अराउंड 604, ठीक है, अराउंड 600 तक वो ऑल इंडिया के लिए निकल जाएगा, क्योंकि 600 का जो एससी स्टूडेंट है तो उसको तो बहुत अच्छा सीट मिलेगा, ऑल इंडिया में ही बहुत अच्छा मिल जाएगा, डेफिनेटली वो बहुत ही बढ़िया सीट मिलेगा, एम्स मिलेगा बहुत अच्छा। तो वहाँ पे उसी हिसाब से अगर हम लोग काउंट करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इस बार वाले कट ऑफ हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो अप टू 597 तक ऑल इंडिया का सीट होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग ट्राई करोगे, ऑब्वियसली तुम लोग ऑल इंडिया के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ, तो ऑल इंडिया के लिए तुम लोग अप्लाई करोगे, फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, मैक्सिमम को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार सेकंड काउंसलिंग के बाद तुम लोग सीट छोड़ नहीं पाओगे, तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही तुम लोग का आइडिया हो जाएगा कि हाँ चलो मेरा कितना डिफरेंसेस है। अगर उसी हिसाब से डिफरेंस सोचोगे तो आराम से सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुम सीट मिलने के बाद छोड़ भी सकते हो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट कर लो, देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में कंडीशनली कितना कुछ है, क्या कुछ डिफरेंसेस है, एंड दैट अकॉर्डिंगली फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर लगे कि हाँ ठीक है चलो मेरा बहुत पास आ गया है, तो सेकंड अटैम्प्ट कर लेना, तो सीट अच्छा ही मिलेगा। तो एनीवे मेरा जब तक जितना तक ख्याल है 597-6 तक ऑल इंडिया हो जाना चाहिए इस बार एज पर कट ऑफ, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद 596 से अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लो अप टू 577, वो वाले सीट्स ओपन कोटा, नॉर्थ ईस्टर्न ओपन कोटा में रिम्स हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसे भी घूम के रिम्स लोगे, यहाँ से तुम लोग ओपन कोटा से लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ओपन कोटा में तुम लोगों का कोई बॉन्डिंग नहीं रहता है, तो ओपन कोटा इज बी सेफ एनफ फॉर यू ऑल। बट अगर हम लोग स्टेट से, अगर स्टेट कोटा से सीट मिलेंगे, AGM से रिम्स लेंगे यहाँ से, तो हम लोग के लिए बॉन्डिंग बन जाएगा, एक बॉन्ड होगा, बॉन्ड में बहुत कुछ क्लॉजेस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग आराम से उसको छोड़ सकते हैं, उसको स्किप मार सकते हैं उसे। तो नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा बोल के भी एक रिम से सीट, एक कोटा निकलता है जहाँ से 10 सीट होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग है उस वाले कंडीशंस पे आसाम इंक्लूडेड नहीं होता है, तो बाकी वाले जितने भी स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स में त्रिपुरा का स्कोर ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली हम लोगों ने देखा है इस बारे में। तो बाकी इस बार बस स्टेट लिस्ट भी निकल गया, स्टेट लिस्ट भी हम लोगों ने कंपेयर किया, तो उस हिसाब से त्रिपुरा का सीट अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी स्टेट उसको ऑल इंडिया से सीट मिलता है, तो वो लोग उतना फोकस नहीं करते यहाँ पे। तो आराम से मेरा यहाँ से 10 सीट में अराउंड 8 to 9 तो आराम से श्योर पक्का है मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर मेरा 577 से भी स्टेट रिम्स शुरू होता है, तो स्टेट रिम्स इस बार यहाँ पे थोड़ा गलती दिया हुआ है, लाइक 6 सीट दिया हुआ है और SC को 3 दिया हुआ है, SC वाला 2 होगा वो और जनरल का 7 होगा, तो मेरा 7 अगर वहाँ से सीट निकल गया, स्टेट मीटिंग में थोड़ा बहुत गलती है, वर्षा वहाँ पर 6 and 3 दिया हुआ है और 7 and 2 होगा, तो उस हिसाब से 577 या 575 से मेरा ऑल इंडिया, मतलब स्टेट रिम्स शुरू हो जाएगा। तो स्टेट रिम्स यहाँ पे 7 सीट हो जाएगा, तो 7 सीट अगर मेरा निकल जाएगा तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 561 तक मेरा स्टेट रिम्स निकल जाएगा, राइट। अभी आओ इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि ऑल इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट के
ईडब्ल्यूएस कोटा रिम्स के लिए, रिम्स से और नॉर्थ ईस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट निकलता है। तो उस 11 सीटों में इस बार इंटरेस्टिंगली मणिपुर से ही सबसे ज़्यादा दावेदार रहते हैं, कंटेंटेंट रहते हैं, बट इस बार मणिपुर से दो ईडब्ल्यूएस है, एक 6-1 एक 4-1। तो 6-1 तो ऑल इंडिया ऐसे निकल जाएगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं, और 4-1 यहाँ पे बहुत से हम लोग स्टेट मार्क से बहुत नीचे है, तो 4-1 का भी हम लोग को वरी है, इतना वरी नहीं है हम लोग। तो आराम से वहाँ से 11 का ऑलमोस्ट 11 सीट इस बार त्रिपुरा के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बाकी स्टेटों में ओबीसी होते हैं, जनरल नहीं होते, सो दैट वे ईडब्ल्यूएस के लिए ऑलमोस्ट वो खाली रहता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ से निकल जाएगा। ऑलमोस्ट 11 का 11 ही हम लोगों को देना है। तो अगर एक सीट छूट भी गया, नागालैंड से कभी कभी निकल जाता है, तो फिर भी मेरा 10 सीट यहाँ से श्योर है। तो एजीएमसी का 11 है और 21 सीट तो श्योर है। तो इसके बाद त्रिपुरा में जो ईडब्ल्यूएस अच्छे वाले हैं वो लोग तो ओपन नॉर्थ ईस्ट कोटा ओपन से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा से जाना और ईडब्ल्यूएस जाना सेम ही चीज़ है, फीस एक ही है, कोई अलग सा कोई कंडीशन नहीं है। तो आराम से नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा से जाएंगे तो त्रिपुरा वाले बच्चे को थोड़ा वाला नीचे वाले जो है उनको भी अच्छा स्कोप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक होता है ना लाइक प्रेयर, एक आशीर्वाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर है इसका। फ्यूचर अगर तुमको सही बनना है तो बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत चाहिए होगा। तो तुम अगर किसी को हेल्प करते हो कि चलो मैं ईडब्ल्यूएस से लूँ या मैं नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा से लूँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का फीस सेम है, फीचर सेम है, कंडीशन सेम ही होगा। तो अगर मैं ओपन कोटा से ले जाता हूँ तो ईडब्ल्यूएस वाले जो नीचे वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो बी गुड एनफ, तो फेयर एनफ, अच्छे लोगों को, बाकी लोगों को मिल सकता है, प्रोफेशनल मिलेगा, तो उस हिसाब से आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। और बाकी जो जनरल वाले यहाँ पे एजीएमसी के लिए वो अप टू 501 तक जाना चाहिए, मतलब जो हिसाब यहाँ पे है एससी जनरल है, लाइक कुछ निकलेंगे कुछ रुकेंगे, तो अराउंड 501 मतलब 507 से लेके 504 तक आना चाहिए, 507 टू 504 तक आराम से निकल जाना चाहिए। तो इतना तक हो जाएगा तो मेरा मतलब एजीएमसी हो जाएगा वहाँ पे। एससी वालों लोगों का अभी तक पूरा काउंट नहीं किया हूँ, इवन एसटी वालों लोगों का भी पूरा काउंट नहीं किया हूँ, क्योंकि इस बार वो जो सीट मैट्रिक्स दिया है कुछ गलती है उसमें शायद, तो शायद वो लोग डीएमई वाले सही कर लेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे सब कुछ मिला के, तो हो जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट एन बिग डील ओवर दैट। सो वही है, और टेंशन मत करो, अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, देट मी 9485007122, दैट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट ओवर देयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी तो बाकी का पूरा तुम लोगों के हाथ में है, सही से करना काउंसलिंग, बहुत सही से सीट लिस्ट जब काउंसलिंग ऑल इंडिया के लिए फिलअप करोगे बहुत सही से करना, और सब कोई अटेम्प्ट करो, जो लोग लाइक PWD है, लाइक नॉर्मली फिजिकली हैंडीकैप्सन वगैरह है, ऑल इंडिया में बहुत से स्कोप्स हैं, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों भी वो लोग भी जाके अटेम्प्ट करो, अप्लाई करो, शायद लग जाए, शायद हो जाए। तो ये शायद के ऊपर ही, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, हम लोग भी कायम है। तो ऑल द बेस्ट, गुड फॉर यू एंड हैव ए गुड डे, थैंक यू।